हमारा घर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे किधर घर नहीं है। हम लोग बुरी तरह से निकाला, मेरे खींच के खाना बना रही थी, खींच के पुलिस वाले लेके गए, मेरे हाथ दो मुड़ दिया। जैसे मेरा घर नहीं है, मैं क्या चोरी का घर में रह रही हूँ। मेरे का घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, प्लीज़। किधर घर नहीं है मेरा, और हमारे दादा का घर है वो, ऐसा नहीं मैं किसी का घर ले लिया। मेरे को घर दिलाए और इंसाफ दिलाए बस, वही। यही आपका घर है? हाँ, यही घर है हमारा। इसी घर में 80 साल से रहते थे? 80 साल से रह रहे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकलौती आप ही हिंदू हैं? आप हिंदू, हम लोग एक ही है। और बाकी सभी लोग? हाँ, ये लोग हिंदू था, बेच कैसे ले गए वो लोग। और इतना टॉर्चर करते हैं लोग को, फिर बाथरूम खुला रख देते हैं, ये करते हैं वो लोग। पहले हिंदू था वो, बेच के चले हिंदू से, वो लोग को चर्बी चढ़ गए, फिर हम लोग अकेले आ गए। हाँ, तुम लोग को निकलना पड़ेगा, धमकी देने लगे रोज रोज। तो हम लोग ने अंदाज कर दिया, मैं लोग जान दो जान की डाडी भी बोल रहे हैं, कोई मार के चला गया जाएगा, काट के चला गया, तुम लोग क्यों ऐसा कर लो। हमारा घर में रहे, हम लोग को क्या कर रहे हैं। बी वार्ड में हेड ऑफिस रोज कंप्लेंट डालते, पूरा बोल मोहल्ला मिल के कि लोग को माँ बेटी को भगाओ, बोलता है पाकिस्तान जाओ, ऐसा झूठी खबर देते है। हाँ, पूरे सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ आपके घर को सील किया गया? आपका सिर, मेरा सील कर, सोसाइटी में सिर्फ हमारे घर को सील किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी धमकी दी थी कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो FIR वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। और कंटिन्यूस ये लोग BMC में और पुलिस में जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन करते थे कि इस माँ बेटी को, ये जो परिवार है यहाँ पर रहता है हिंदू परिवार, इसको निकाल दिया जाए यहाँ से कैसे भी करके। और पुलिस ने भी उनको सपोर्ट किया और हमें सपोर्ट नहीं किया, और पुलिस ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि हम लोग क्रिमिनल हैं और हम लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते थे। हमें बहुत ही बुरी तरीके से धक्के मार कर, हमारा सामान फेंक कर, मेरा टेंपल तोड़ कर, हाथ मरोड़ कर हमें घर से बाहर निकाला है। ये मंदिर भी तोड़ा गया? हाँ, मेरा मंदिर भी तोड़ा गया। अच्छा, मंदिर कहाँ था आपका? घर के अंदर था। घर के अंदर मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया? घर के अंदर जो मंदिर था, जो एकदम बोलते ना जॉइंट था, उसको तोड़, वो निकल नहीं रहा, उसको तोड़ मरोड़ कर कैसे भी करके उन्होंने निकाला है, सब चीजें तोड़ फोड़ दी। उन्होंने किसने निकाला? पुलिस वालियों, BMC अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने। वहाँ से रहते सब लोग वीडियो निकाल रहे थे। और मेरा हमारा घर से हमें निकालते हुए ये लोग इतना हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जैसे इनको बहुत मजा आ रहा था किसी को घर से निकालने के लिए। मोहल्ले में तालियां बजा रहे थे, लोग जश्न बना रहे थे इधर। बोला कि अच्छा हुआ, ये लोग को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मेरा घर में रहती हूँ, मेरे को घर चाहिए और कुछ नहीं सर, और इंसाफ चाहिए मेरे को, मेरा घर वापस दे। किधर घर नहीं है, हम लोग किधर फुटपाथ पे पड़े हैं हम लोग। अभी आखिरी उम्मीद आप लोगों को किससे है? हमें मोदी सर को से। हमें आखिरी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है, और अमित शाह जी से, और जो अभी CM है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फर्नांडिस जी, कि हमें हमारा घर वापस दिलाए हमें, क्योंकि हमारा ये लीगल घर है, हमारा ये पुश्तैनी घर है, हमें हमारा घर वापस चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन? हाँ, हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, लेकिन मुझे पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ गया है कि उन लोगों ने घर से निकालने में पुलिस अधिकारी भी शामिल थे इसमें। हाँ, मेरे हाथ मुड़ मुड़ दिया एकदम, मेरे को बिठा दिया, मेरे ओढ़नी नहीं थी, खाना बन, गैस बन मेरे को बाहर। आप लोगों का सामान कहाँ है? हम लोग फुटपाथ पे पड़े। हम लोग का जो सामान है यहाँ वहाँ सब बिखरा हुआ है, आधा सामान तो चोरी हो गया है और आधा सामान मैंने रिलेटिव के घर पे रखा है। रीजन क्या बताया उन लोगों ने? रीजन यही बताया, हमें निकालना था तो कुछ भी उल्टा सुलटा रीजन बताया उन्होंने कि आपने भाड़ा नहीं भरा है, फिर कभी बोलते आपका टेनेंसी ट्रांसफर नहीं, कभी बोलते स्टाफ क्वार्टर है तो आपको निकलना ही पड़ेगा। रीजन फेक बनाकर हमें घर से जबरदस्ती जबरन निकाला गया है। अच्छा, आपके घर के बगल वाले घर वालों को निकाला गया कि नहीं? बिल्कुल नहीं निकाला गया, किसी को भी यहाँ से नहीं निकाला गया, सिर्फ हमें हमारे परिवार को यहाँ से निकाला गया है। सट्टी कलम लगी, सट्टी कलम में तो ये लोग को दूसरा कोई नहीं रह सकता, हमारे रह सकते, फिर भी ये लोग ने हम लोग को ही निकाला। इतना बुरी तरह से निकला, बेइज्जती हुई, हाथ पकड़ के मेरे को गाड़ी में बिठा, दो लेडीज ने हाथ मुड़ दिया मेरा, दो हाथ। और मैंने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, तो यहाँ पर सबको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। ये बोलना चाहते हैं, ये बोल रहे थे रमज़ान के वक्त इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है। रमज़ान के वक्त इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर बोला है कि लड़की यहाँ से घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, घर पे ही रहनी चाहिए। और पुलिस आकर मुझे खुद बोल रही थी कि आप मैडम बाहर नहीं निकलोगे, आपका कुत्ता है जो आप कहीं दे दो, आप कुत्ता नहीं पाल सकते हो, क्योंकि इस्लाम में कुत्ता हराम है, हम नापाक हो जाते हैं, तो आपको कुत्ता नहीं पालना है। मुझे ऐसी धमकी मिली, अगर आपने कुत्ता पाला तो हम कुत्ते को मार डालेंगे। और बार बार मुझे ये धमकी दे रही थी, हम बुरखे वाली सब मारने आएगी। और यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ, सब जितने भी बुरखे वाली लेडीज थी मुझे मारने आई, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे अब आप रह पाइएगा सुरक्षित? हम लोग को रहना, मैं रहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, चाहे मुझे कोई मार भी दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने बाप दादा के घर में रहना, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ, मुझे यहाँ पर ही रहना है, क्योंकि मेरा बचपन बीता है इस घर में, मुझे मेरा घर चाहिए बस। डर नहीं लगेगा? मुझे डर नहीं लगेगा, मेरा कोई गला भी काट देगा तो, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी कि मैं अपने घर में मर जाऊँ।
और पेपर्स देखने के बाद आज के डेट में अगर कोई 20 साल तक भी कहीं रहता है तो उसके टेनेंसी राइट्स होते हैं, सबको पता है बराबर। आज 88 साल तक वो किसी जगह पे रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही इवेक्यूएट नहीं कर सकते। सेक्शन 105 106 के अंडर में भी आपको फिजिकल हियरिंग देनी रहती है। वो फिजिकल हियरिंग आपको कभी वहाँ बुलाया बैठ के बात करने के लिए? कभी हियरिंग, फिजिकल हियरिंग भी इनके साथ नहीं हुआ। दूसरी बात, ये अब्यूज ऑफ लॉ है। आप मानसून में, इन मानसून यू कान इवेक्यूएट एनीबडी, आप किसी को भी बेघर नहीं कर सकते मानसून में। आपने कभी बीएमसी का सुना है कभी बारिश में किसी को निकाला? बीएमसी कभी भी, हाईकोर्ट्स के बहुत सारे ऑर्डर्स है, बिकॉज वो उनके पास घर नहीं तो बेघर होकर जाएंगे किधर? उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग के पास जब दूसरा घर नहीं है तो जाएंगे किधर? मतलब इतना इनह्यूमन बिहेवियर आप भारत जैसे देश में कर सकते हैं जहाँ हमारी डेमोक्रेसी वो वर्ल्ड की सबसे साउंड डेमोक्रेसी में बोला जाता है, वैसी जगह पे आप ऐसे फंडामेंटल राइट्स के साथ ब्रीच? ये फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। और फंडामेंटल राइट्स का क्या, हमारे मेजोरिटी है तो उसका फंडा, वो कहीं ऐसी जगह रहती है कि जहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते तो उसका रहने का हक नहीं है, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है? उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए आज हम उन सारिका जी के पीछे खड़े हैं, और उसी के लिए मैंने, हम लोगों ने एज अ वो एज अ लीगल टीम ऑल्सो वी हैव स्टडीड होल द पेपर। लॉ ड्यू लॉ प्रोसेस हैज नॉट बीन फॉलोड एंड देर इज एन अब्यूज ऑफ लॉ, ये कोई भी एंगल से प्रूफ हो सकता है। इसकी वजह से सरिता जी से आज हम लोगों ने सबसे बात किया, वो किया, और बाकी के लोग का भी ये है कि अभी सरिता जी का मतलब उनके परिवार का मानना ऐसा था कि उनको यहाँ रहने देना चाहिए। सही दे, रहने देना चाहिए कि नहीं? हाँ, जब कोई चीज़ है तो उसका प्रोसेस है, आप बुलाइए, उनके साथ बैठिए, समझिए, लॉक करिए, अगर उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं है तो उस प्रोसेस को फुलफिल करिए। अंडर द लॉ दे शुड गिव द स्पेस। तो अभी तो उनका, उन्होंने सील किया हुआ है, इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकते। तो उनका वो परिवार का कहना था कि हम वो नीचे नीचे रहेंगे जब तक हमारे पास न्याय नहीं मिल सकता। आपको यहाँ रहना है माता जी? हाँ, मुझे यहाँ पर रहना है क्योंकि मेरा बचपन बीता है और ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं यहाँ पर ही रहूँगी, यहाँ पर ही मरूँगी। हम लोग को मार भी दिया तो वांधा नहीं, हम लोग को कोई नहीं डर है। हम लोग इधर रहते हैं, हमारा दादा का घर है, हम लोग को किधर छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, नहीं दूसरे देश में रहती हूँ, मेरे को यही मांगता है। कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं वो मालूम नहीं, हम बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा ही जो है कंपाउंड पूरा मुस्लिम इलाकों से ही, लगभग आप 1500 पकड़ लीजिए। हटा दिया है पुलिस ने, हटा दिया, भगा दिया है, पुलिस ने हटा दिया है, सपोर्ट करने के लिए ना बोला है पुलिस ने, हटाया जा रहा है आप लोगों को। ये ऐसा अगर होता रहेगा, सरकार तो बीजेपी की है ना यहाँ पे, आप अपना कैमरा पूछेंगे, लोग हंस रहे हैं। हम तो न्याय के लिए आए, इधर जो पीड़ित है उसके न्याय के लिए आए। 2 मिनट का टाइम दिया, बोला भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो भेज रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर तो बरोबर चल रहा है, क्यों भेज क्यों रहे हो? हम तो एक पीड़ित के लिए, न्याय के लिए आए हैं कि कानून उसका फैसला करे। अभी यहाँ से हम लोग जाने के बाद वो लड़की के साथ में कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसको लीगल का पहनावा दिया है अथॉरिटीज ने, लेकिन अंदर कम्युनल इंटेंशन है उनका कि कुछ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को हैरस करना है। कौन से कम्युनिटी को हैरस करना? कम्युनिटी, ये सच्चाई है। आप वो लीगलिटी का पर्दा उठाओगे ना तो ये सच्चाई मिलेगी इसके नीचे। मुंबई में 82% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, 82%, उसके बावजूद भी मुंबई में हिंदू को हरास किया जा रहा है। बीएमसी में भी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी 80% से ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हरास किया जा रहा है, क्यों? हाँ, तो ये अपना सिस्टम पहले से ही ऐसा हुआ है, देन इन द नेम ऑफ सेक्युलरिटी सर्टन सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी इज बीइंग अपीस्ड, वो होते आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मेजोरिटी हिंदू को हैरेस कर रहे हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। सी द वे ही इज यूजिंग फोर्स ऑन मी, आपने देखा कैसे फोर्स यूज कर रहा है? हाँ, ये लीगल है कि फोर्स यूज करना। अभी किसी ने कुछ अपना वायलेंस किया इधर? कुछ वायलेंस नहीं किया, ये पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है, कभी भी फिजिकल फोर्स यूज कर रहे हैं। आपके सामने है कैसा फिजिकल फोर्स यूज किया मुझ पर, देखा ना आपने? सोचिए, 1500 मुस्लिम परिवार मिल के जो है एक हिंदू परिवार का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, और भारत में ऐसे अनेकों जगह है जहां पे हजारों हिंदू परिवार के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहता है।
तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और इनके सुरक्षा में इसके पहले पुलिस आए, मीडिया आए, नेता आए, यहाँ के जितने मुस्लिम लोग हैं उनको तैयार रहना चाहिए था, खड़ा रहना चाहिए था और इनको सुरक्षा उन लोगों को देना चाहिए था, लेकिन वो लोग सुरक्षा ना देके इनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। और यहाँ पर इकलौता घर है हिंदू परिवार का, आप देख सकते हैं, और ये मुंबई है, आर्थिक राजधानी है और भारत का सबसे डेवलप शहर है ये। भारत के GDPI में लगभग 25% योगदान जो है ये मुंबई शहर करता है। और ज़रा देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है, ये सारा घर जो है वो मुस्लिम लोगों का है। और उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इंसानियत के नाते आगे आएं और इनको सुरक्षा दें, इसके पहले कि ये यहाँ से मजबूरी में अपना घर छोड़ के चली जाएँ। जय हिंद।